बीटीआर बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट इज करंटली स्प्रेड ओवर 4 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से एरिया पे ये कवर होता है? कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदालगिरी हो सकता है। सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ असम। बॉर्डर्स आर द सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन असम। असम के अंदर सबसे बड़ी ये सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है और इनकी पॉपुलेशन 40-50% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन और ये भी बताऊंगा कि न्यूज में क्यों था। चलिए, मैंने आपको कल 9 PM वाले लेक्चर में बताया था जिसमें हम रैपिड फायर तौर पे करंट अफेयर्स करते हैं फॉर ऑल द एग्जाम्स कि असम जो है फर्स्ट एनिवर्सरी किस चीज की, फर्स्ट एनिवर्सरी बीटीआर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन अग्रीमेंट की मना रहा है और हमारे होम मिनिस्टर जो थे वो भी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। दैट्स वाई ये न्यूज में था। और मैंने वहां पे आपको ये भी पूछा था कि बोडोस जो है वो कहां पर सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है। सो यस, बोडोस कहां पर है सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी? असम के अंदर। बोडोस आर द सिंगल लार्जेस्ट कम्युनिटी और इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 40-50% नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5-6% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। ठीक है, और लार्ज पार्ट ऑफ असम जो है वो पास्ट के अंदर इन्होंने एग्रीगेट करके रखा था, कंट्रोल करके रखा हुआ था। ठीक है, बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल एरियाज की बात करें तो चारों डिस्ट्रिक्ट्स के जो नाम दिए गए हैं वो भी बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। तो सिक्स शेड्यूल जो है वो बेसिकली यस, अब मैंने आपको बता रखा है कि एएमटीएम क्या है। ए स्टैंड्स फॉर असम, एम से क्या है मेघालय, टी से क्या है त्रिपुरा, देन एम से वंस अगेन क्या है, सोचे आपके पास दो ऑप्शन है एम से स्टार्ट होने वाले, मिजोरम एंड मणिपुर, क्या हो सकता है? यस, इट इज मिजोरम। ध्यान रखिएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम जो है उनसे डील करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, ए विल बी द करेक्ट आंसर।